दोस्तों, क्या आपका भी स्मार्टफोन गुम चुका है आपके घर में, या फिर आपका स्मार्टफोन चोरी हो चुका है, या फिर आपसे आपका स्मार्टफोन कहीं पर गिर चुका है और आपको मिल नहीं रहा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रेस में नहीं आ जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम किस लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन को ढूंढ सकते हैं, चाहे वो फिर आपके घर में ही गुमा हो या फिर कहीं और गुमा हो या फिर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया हो। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो हाय गाइस, मेरा नाम है उस्मान एंड वेलकम टू टेक थ्रोन। सबसे पहले तो हम रीजन नंबर 1 की बात करते हैं कि अगर आपका स्मार्टफोन घर के अंदर ही गुम जाए तो फिर आप क्या करेंगे। सिंपली आप उसे ढूंढने के लिए कोई आप उसे मिस कॉल देंगे किसी दूसरी सिम के साथ, ताकि आप अपना स्मार्टफोन को ढूंढ सके। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर सिम भी नहीं लगी हुई लेकिन आपके घर लगा हुआ है एक वाईफाई या फिर आपने एक डाटा कनेक्शन ऑन किया हुआ है, तो आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर गूगल अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि उसी की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को ढूंढेंगे। सिंपली आप इस गूगल अकाउंट को यूज करने के बाद अपने स्मार्टफोन के अंदर एक रिंग को प्ले करेंगे, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्मार्टफोन कहां पर पड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि हम कैसे अपने स्मार्टफोन के अंदर रिंग को प्ले कर सकते हैं। तो सिंपली आप गूगल के ऊपर आएंगे और यहां पर राइट क्लिक करेंगे, गूगल फाइंड माय डिवाइस, फाइंड माय डिवाइस। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे आप इसके ऊपर ये सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा जो कि है इनकी वेबसाइट। सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर अपना अकाउंट देंगे जो आपके मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ है, जो गूगल अकाउंट आपके मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ है वो ही आप यहाँ पर दे देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका मोबाइल फोन ट्रेस होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपके मोबाइल फोन की अगर लोकेशन ऑन हुई तो आपके मोबाइल फोन को सिंपली ये ट्रेस अच्छे तरीके से बिल्कुल कर लेगा। तो सिंपली आप अपने स्मार्टफोन के अंदर रिंग बजाने के लिए प्ले सॉन्ग का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिक रिंग बजना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा मोबाइल फोन मेरे लैपटॉप सिस्टम के पास ही पड़ा हुआ है। आप इसकी साउंड सुनिएगा जरा। तो सिंपली स्टॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से 2-3 स्टेप्स के अंदर ओनली अपने स्मार्टफोन के अंदर एक रिंग को प्ले किया, जिसकी मदद से हम जान पाए कि हमारा स्मार्टफोन कहां पर पड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रीजन की कि आपका अगर स्मार्टफोन घर से बाहर कहीं गुम चुका है तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, हम अपने स्मार्टफोन के अंदर एक मैसेज को फिट कर देंगे, वो भी होम स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आपका स्मार्टफोन कोई अननोन पर्सन आके उठाता है और उसके ऊपर कोई वाईफाई ऑन कर लेता है या फिर डाटा कनेक्शन को ऑन कर लेता है, तो सबसे पहले जैसे ही इंटरनेट ऑन होगा तो सबसे पहले एक होम स्क्रीन के ऊपर एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर आपका नेम लिखा होगा और आपका नंबर भी लिखा होगा, जिसके जरिए अगर वो आदमी ईमानदार हुआ तो वो आपके नंबर पर कॉल करके आपको बता देगा कि मुझे आपका स्मार्टफोन मिल गया है, आप मुझसे आके ले लें। और आपको तो पता है अगर कोई ईमानदार नहीं होगा तो आपके साथ क्या होगा। इसके लिए सिंपली आप वही वेबसाइट खोलेंगे, गूगल फाइंड माय डिवाइस। यहाँ पर जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आप साइन इन वगैरह कर लेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है सिक्योर डिवाइस का। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप रिकवरी मैसेज दें कि आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिव मी माई फोन। तो यहाँ पर गिव मी माई फोन, यहाँ पर मैंने एक मैसेज रिकवरी मैसेज टाइप कर दिया और यहाँ पर आप अपना फोन नंबर दे दें कि आप क्या देना चाहते हैं, कौन सा फोन नंबर देना चाहते हैं कि जिसको मोबाइल फोन मिले तो वो इस नंबर पर कॉल कर दे। तो जैसे ही आप नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे तो सिंपली सिक्योर डिवाइस के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सिक्योर डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके स्मार्टफोन के अंदर जहाँ कहीं भी आपका स्मार्टफोन होगा, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो उसके ऊपर ये मैसेज शो हो जाएगा। जब कभी भी इंटरनेट ऑन होगा जिंदगी के अंदर उस स्मार्टफोन के अंदर, तो फिर आपका वो मैसेज जो है वो उसकी होम स्क्रीन के ऊपर रहेगा। तो जैसे ही आपको मैं स्क्रीनशॉट भी लेके दिखा देता हूँ, जिसके क्लिक कर गया तो यहाँ पर होगी स्क्रीन। अभी देखें इसके बाद मुझे मैसेज आएगा, तो ये देखें यहाँ पर स्क्रीन मेरी लॉक हो चुकी है, गिव मी फाइव फोन एंड लॉक। तो अब हम सबसे लास्ट रीजन की बात करते हैं जो कि है रीजन नंबर 3 कि अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाए सीधा तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि आपको आपका स्मार्टफोन फिर नहीं मिलेगा। तो बस आप ये कर सकते हैं कि अपने स्मार्टफोन के डाटा को मुकम्मल तौर पर इरेज कर दें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल डाटा यानी फोटोज, वीडियोस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, फाइल जितनी भी होती हैं वो आपकी सेफ रहें, तो आप उसे परमानेंटली अपने स्मार्टफोन को इरेज कर दें मुकम्मल तौर पर। तो आइए हम जानते हैं कि हम ये कैसे करेंगे।
अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो मिलने वाला तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल है कि मिले। तो इसके लिए आप सिंपली अपना डेटा को दूसरे लोगों से बचाने के लिए उसे इरेज कर दें। इरेज डेटा करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको इरेज डिवाइस का, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी डिवाइस का तमाम डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस का तमाम डाटा इरेज हो जाएगा, यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी बता दिए। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्मार्टफोन ढूंढ पाएंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप टेक रिलेटेड वीडियो रोजाना देख पाएं। और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हैकर्स आपका स्मार्टफोन किन टेक्निक के साथ हैक करते हैं तो इस चैनल के लोगों के आगे वाली जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर आप जल्दी से उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसको भी चेकआउट कर लिए कि आपका स्मार्टफोन हैकर्स आखिर किन टेक्निक के साथ हैक करते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।